क्या सेंसर बोर्ड में हो रही है घुसखोरी, क्योंकि फिल्मों को सर्टिफिकेट देने वाले बोर्ड के सीईओ हुए फायर। जी हाँ, CBFC के सीईओ को उनके पोस्ट से हटा दिया गया है क्योंकि उन पर एलिगेशन लगा है कि उन्होंने घुसखोरी की है। हालांकि पोस्ट से अचानक हटाए जाने की वजह को लेकर अभी तक कोई साफ जानकारी सामने नहीं आई है। दरअसल CBFC बोर्ड एक ऐसा बॉडी है जो सिस्टमेटिक वे में फिल्मों को रिलीज करने के लिए अनुमति देता है। बोर्ड में 4-5 मेंबर होते हैं जो फिल्म के रिलीज से पहले उसको देखते हैं और देखकर फिल्म को एक सूटेबल सर्टिफिकेट देते हैं। शाहरुख खान की जवान, पठान और रणबीर की एनिमल से लेकर तमाम छोटी बड़ी फिल्मों को बोर्ड वालों के पास भेजा गया था और भेजा जाता रहा है ताकि फिल्म में कुछ भी ऊंच नीच हो, कॉन्ट्रोवर्शियल हो तो उसको फिल्म से हटाकर फिर हरी झंडी दी जा सके। लेकिन अब खबर आई है कि बोर्ड के भीतर भी कालाबाजारी चल रही है, घुसखोरी हो रही है, जिसका परिणाम अब बोर्ड के सीईओ को भुगतना पड़ गया है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि CBFC के सीईओ रविंद्र भटकर को पद से रिलीव्ड कर दिया गया है। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जरिए नोटिस जारी कर उन्हें सीईओ पद छोड़कर उनके पिछले पद पर लौटने के लिए कहा गया है। रविंद्र रेलवे विभाग से सेंसर बोर्ड में आए थे। हालांकि उनके इस पद से अचानक हटाए जाने के रीजंस को लेकर अभी तक कोई क्लियर जानकारी सामने तो नहीं आई है। रविंद्र के हटाए जाने के मामले को लास्ट डेज में सेंसर बोर्ड पर लगे घुसखोरी के आरोपों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि कुछ दिनों पहले तमिल एक्टर विशाल ने आरोप लगाया था कि उन्हें अपनी तमिल फिल्म मार्क एंटोनी के हिंदी वर्जन को सर्टिफिकेट कराने के लिए सेंसर बोर्ड के अधिकारियों को 6.5 लाख रुपए देने पड़ गए थे, जिसके बाद मामला को दर्ज करते हुए CBI ने कुछ CBFC के अधिकारियों और 3 बाकी लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी थी। CBI ने बाकी 3 व्यक्तियों की पहचान मर्लिन मेनगा, जीजा रामदास और राजूत के रूप में की है। वहीं CBFC कर्मियों के नामों के बारे में कोई रिवलेशन नहीं किया गया है। रविंद्र भटकर का हटाया जाना इसी मामले में संबंधित है या उसका कुछ और वजह है। कुल मिलाकर इस खबर के बाद से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बोर्ड के मेंबर एक उचित सर्टिफिकेट देने के लिए मेकर से पैसे ले रहे थे, और अगर ये बात सच है तो वाकई में मामला सीरियस है, क्योंकि फिल्मों को सही मायने में किस तरह से किन दर्शकों तक प्रेजेंट करना है ये बोर्ड ही तय करता है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सेंसर बोर्ड के सीईओ पर लगे एलिगेशन को लेकर बोर्ड वाले क्या कुछ कहते हैं और पूरी बात कब तक सामने आती है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी